एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी चल रहा है, मैं वापस अपनी बात की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, मेरे जेन में आ गया, आपका एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी चल रहा है। आप सबको पता है कि आप स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग पर रिवॉर्ड आता है। अब स्टेकिंग का रिवॉर्ड जो है, आज आप 19 तारीख में बैठे हैं और कई लोगों का 17-18 का रिवॉर्ड नहीं आया और 16 का रिवॉर्ड नहीं आया, तो लोगों के अंदर एक ऐसी बिला वजह की परेशानी चली जाती है कि यार पता नहीं कोई क्या प्लान है कि नहीं। लेकिन जो 3 साल से जुड़े हैं उनको पता है कि यहाँ पर इसके अंदर सिवाय आपके किसी टेक्निकल इशू के कोई रीजन नहीं होती। और वो आज मेरा ख्याल है सुबह को 4-5 बजे की न्यूज थी, वो सॉल्व हो चुका है। और अभी आपको, यानी मैं समझता हूँ कि आज थोड़ी देर में या अगले 4-6 घंटे के अंदर आपको 16-17-18-19 का भी लगा है तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त आपने समझना है कंपनी को कहीं से पैसे नहीं आ रहे और ना कंपनी को कहीं देने पड़ते हैं, तो इसलिए सिस्टम के अंदर कंपनी में कोई दिक्कत सिस्टम में हो सकती है, कहीं पे इरादे में या नियत में नहीं होती। रोजाना की बुनियाद पे जो इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर है ना, वो रोजाना की बुनियाद पे एक ताकीद करते हैं कि यार प्लीज कुछ भी कर लो, बट जो डेली पे आउट जाता है उसको स्मूथ कर दो, उसको रोजाना होना चाहिए, उसको इंस्टेंट होना चाहिए। तो ये इससे ज्यादा वो, मतलब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है उनकी तरफ से समझने के लिए, हमारे पास इससे ज्यादा कोई बेहतरीन जो चीज नहीं है मौजूद। तो आपको एक रिवॉर्ड के बारे में आपको जो है इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। गाइज, बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ रहा है और कॉल भी किया बहुत सारे दोस्तों ने जो टीम मेंबर है और जो शुरू से, उन वो सब तो जानते होंगे कि यहाँ पर इशू आते रहते हैं क्योंकि टीम अभी जो है तो बढ़ रही है, अभी भी टीम जो है तो बहुत सारी टीम बढ़ रही है। तो गाइज थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जो उनका डेली का जो हिसाब से जो रिवॉर्ड आता है वो रिवॉर्ड भी मिसिंग हो रहा है, और जो उन्होंने स्टेकिंग लगाई थी उसका रिवॉर्ड भी और लेवल रिवॉर्ड भी, दोनों रिवॉर्ड जो है तो उनके मिसिंग हो रहे थे यहाँ पर, क्योंकि उनका जो है तो 15-16-17-18 ये तीन चार दिन का जो है तो उनका रिवॉर्ड मिसिंग है। तो गाइज यहाँ पर जो टेक्निकल इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो गाइज शायद अभी ये वीडियो देखने से पहले आपका जो है तो सॉल्व हो जाएगा या फिर कुछ घंटे के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। तो जितना भी आपका रिवॉर्ड रुका हुआ होगा वो सभी रिवॉर्ड आपको जो है तो मिल जाएंगे। गाइज मेरा तो यहाँ पर मिसिंग नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पर मिसिंग हुआ है, इसीलिए जो तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था। लेकिन मुझे लगा आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ, जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है और कंपनी तरफ से जो तो मैसेज भी आ गया था कि ये सॉल्व हो चुका है। तो गाइज आप जो है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आती रहती है। और गाइज एक्सचेंज ऑन भी यहाँ पर आप मेंटेनेंस के ऊपर चला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है गाइज। यहाँ पर जो है तो पहले BLB, BFIC, USDB ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ यहाँ पर शो नहीं कर रही है। तो गाइज अब देखते हैं कितने टाइम के अंदर जो है तो मेंटेनेंस से वापस आता है। जैसे मेंटेनेंस के ऊपर वापस आ जाएगा, इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉइन जो है तो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।